बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस कड़े से कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, नियम का उल्लंघन। गुड लक बिग बॉस, ये कुछ ऐसे डायलॉग्स हैं जिन्हें लगातार 3 महीनों से हम सुनते आ रहे हैं। जी हाँ, 3 महीने पहले ही सलमान खान के कॉन्ट्रोवर्शियल शो का आगाज हुआ था और देखते ही देखते ये शो अपने अंतिम घड़ी पर आ पहुंचा है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिर किसके सर पर सजेगा इस बार बिग बॉस का ताज। हालांकि सभी ने अपने दिमाग में एक नाम तो फिक्स कर लिया है और वो है जीत के प्लेटफॉर्म पर पहुंची दीपिका कक्कड़ का, जिनके बारे में हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बताएंगे कि किन बातों से बन सकती है दीपिका बिग बॉस की विनर। नंबर 1, लीडरशिप क्वालिटी। शो की शुरुआत से ही दीपिका ने अपना लीडरशिप का मोर्चा कभी पीछे नहीं होने दिया और शुरुआत से ही अपने तेज तरार नेचर से वो काफी एटीट्यूड वाली साबित हुई हैं और यही वजह है कि वो शो में इतने आगे तक पहुंची हैं। नंबर 2, दीपिका और श्रीसंत की बॉन्डिंग। इस बात से तो हर कोई वाकिफ ही है कि दीपिका और श्रीसंत के बीच भाई बहन का रिश्ता इस बार के सीजन में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहा। श्रीसंत एक नामी क्रिकेटर रह चुके हैं, उनकी अपनी फैन फॉलोइंग है। ऐसे में श्रीसंत के साथ अच्छा बिहेवियर रखकर दीपिका ने श्रीसंत के फैंस के दिलों में भी अपनी जगह बना ली है, जो कि खुद में एक प्लस फैक्टर है। नंबर 3, फैन फॉलोइंग। शादी के 6 महीनों बाद बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पर पहुंची दीपिका के पहले से ही काफी फैंस हैं। आपको बता दें, टीवी की बहू ट्विटर पर इन दिनों ट्रेंड कर रही हैं। लोग भले ही दूसरे कंटेस्टेंट्स को सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन इस बात को सभी ने अपने दिमाग में सेट कर लिया है कि जीतेंगी तो दीपिका ही। नंबर 4, कैप्टेंसी का खिताब। बिग बॉस के घर में कैप्टेंसी का खिताब हासिल करना अपने आप में ही एक बड़ी बात होती है। देखते ही देखते शो के 3 महीने हो गए हैं और इस बीच दीपिका घर की इकलौती ऐसी कंटेस्टेंट हैं जो एक बार भी घर की कप्तान नहीं बनी। तो देखा आपने, ये थी वो खास बातें जो बना सकती है दीपिका को इस बार का विनर। इन सब के अलावा एक बात और है कि दीपिका कभी भी फालतू के पछड़ों में नहीं पड़ती, जिसकी वजह से लोग उन्हें काफी पसंद कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस बार कौन होगा बिग बॉस का विनर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।